दोस्तों आज के इस वीडियो में हम अश्वगंधा के फायदे, नुकसान और आप इसको कैसे सेवन कर सकते हैं इसके बारे में जानने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, आप सभी का चैनल ज्ञानवीर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आपने अश्वगंधा के बारे में तो सुना ही होगा, यह एक आयुर्वेदिक औषधि है जो कि हमारे लिए कई प्रकार से फायदेमंद होती है। चाहे मोटापा घटाना हो, चाहे अपने शरीर में कमजोरी को दूर करना हो, कई प्रकार से अश्वगंधा फायदेमंद होती है। आइए इसके फायदे हम जान लेते हैं। उससे पहले हम जानते हैं कि अश्वगंधा को आप कैसे कैसे ले सकते हैं। दोस्तों आयुर्वेद में अश्वगंधा का इस्तेमाल आप अश्वगंधा के पत्ते, अश्वगंधा का चूर्ण यानी पाउडर और अश्वगंधा कैप्सूल्स के रूप में कर सकते हैं। इसके कई सारे फायदे हैं और कुछ नुकसान भी है, इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना आप ये नहीं खाए तो अच्छा रहेगा। आइए हम जान लेते हैं अश्वगंधा के फायदे क्या होते हैं। नंबर वन, अगर आपके सफेद बाल है तो सफेद बालों की समस्या में अश्वगंधा काफी फायदेमंद है। 2 से 4 ग्राम आपको अश्वगंधा चूर्ण पाउडर लेना है और आपको उसको सेवन करना है। इससे सफेद बालों की समस्या दूर हो जाएगी। दूसरा होता है, आप इसके जरिए आंखों की रोशनी को भी बढ़ा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको 2 ग्राम अश्वगंधा लेनी है, 2 ग्राम आंवला और 1 ग्राम मुलेठी को आपस में मिलाकर पीस लेना है। 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को आपको पानी के साथ सेवन करना है। इससे आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। अश्वगंधा का तीसरा फायदा है गले के रोग के लिए। दोस्तों गले का रोग के लिए आप अश्वगंधा के पत्तों को जरूर से सेवन कर सकते हैं। आपको सबसे पहले अश्वगंधा पाउडर बनाना है और पुराने गुड़ को बराबर मात्रा में मिलाकर इसे सुबह शाम बासी जल के साथ सेवन करना है। नंबर 4 पर है टीबी में। दोस्तों अगर टीबी रोग है तो आपको ये काफी फायदा दिलवा सकती है। अश्वगंधा चूर्ण की 2 ग्राम मात्रा को आप काढ़े बनाकर सेवन कर सकते हैं। काढ़े की मदद से आप पीकर टीबी से राहत पा सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। आपको अश्वगंधा 2 ग्राम लेनी है। इसमें आप 1 ग्राम बड़ी पीपल का चूर्ण, 5 ग्राम घी और 5 ग्राम शहद मिला देना है और इसको आपको सेवन करना है। यह क्षय रोग के लिए काफी फायदेमंद होती है। नेक्स्ट आता है अश्वगंधा का उपयोग आप खांसी के इलाज के लिए भी कर सकते हैं। खांसी अगर आपको हो रही है तो आप 10 ग्राम मिश्री और 10 ग्राम अश्वगंधा की जड़ों को मिलाकर थोड़ा सा पानी मिलाकर पेस्ट बनाकर पी सकते हैं। नेक्स्ट आता है पेट की बीमारी के लिए भी आप अश्वगंधा का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको वजन बढ़ाना है, शरीर में कमजोरी है और मोटा होना चाहते हैं तो भी आप अश्वगंधा का उपयोग कर सकते हैं। अश्वगंधा पाउडर, अश्वगंधा कैप्सूल का आप इस्तेमाल करके कमजोरी को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने जाने अश्वगंधा के फायदे, तो आइए अब हम जान लेते हैं कि आपको इसको सेवन कैसे करना है। अश्वगंधा चूर्णों को आप पानी के साथ, दूध के साथ ले सकते हैं। पाउडर को आप दूध के साथ, पानी के साथ ले सकते हैं। अश्वगंधा कैप्सूल को आप पानी के साथ, दूध के साथ ले सकते हैं। अब हम जानते हैं कि अश्वगंधा के नुकसान क्या है। दोस्तों गर्म प्रकृति वाले व्यक्ति के लिए अश्वगंधा का प्रयोग नुकसानदायक होता है। अश्वगंधा के नुकसानदेह प्रभाव को गोंद, कतीरा एवं घी के साथ सेवन करना ही ठीक रहता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने जाने अश्वगंधा के फायदे, जो कि एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है और हमारे शरीर के लिए काफी फायदेमंद होती है। आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको सही जानकारी मिली होगी, आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। तो दोस्तों इसी प्रकार के और वीडियोस देखने के लिए आप हमारा ज्ञानवीर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। नमस्कार।